कोयल का मतलब होता है कुंडली लगाना, एकदम गोल गोल करके ऐसे घूम के बैठ जाना है ना, ट्विस्टिंग। और मैग्रे होता है स्मॉल, बहुत ही जिसकी कम है ना, कम इनकम होती है, कोई भी चीज़ जो क्वांटिटी में कम होती है। पेसिंग मतलब वॉकिंग, इधर उधर घूमना टहलना। थर्ड होता है डल साउंड, एक धीमी सी आवाज। और सिमिलेटियस होता है सेम टाइम, यानी एक साथ दो चीज़ों का एक ही टाइम पर होना। स्प्रिंटर होता है रनर, जो तेज स्पीड से जो दौड़ता है। और स्मीयर होता है रब, यानी बहुत चीज रबड़ करके, बहुत अच्छे से रगड़ के, मल के कोई चीज़ को लगाई जाए, कोई ऑयल है, कोई सॉप है, कुछ भी हो। और रिंस का मतलब होता है वॉश विथ कोल्ड वाटर, एक अच्छे से साफ पानी से, एक ठंडे पानी से, क्लीन वाटर से हम जिसको रिंस करते हैं, वॉश करते हैं। ठीक है, अब हमारे इस चैप्टर की स्टोरी है। तो इस चैप्टर की स्टोरी में आपको बताया था तीन चीज़ें मेन है, डॉक्टर, स्नैक एंड मीलर। इस चैप्टर की स्टोरी कैसे शुरू होती है, डॉक्टर है, डॉक्टर अपनी जो स्टोरी है वो अपने कुछ फ्रेंड्स को बताते हैं, यानी फ्लैश बैक में हमारी स्टोरी चलती है। डॉक्टर बैठा हुआ है, डॉक्टर के आसपास उसके चार फ्रेंड्स बैठे हुए हैं। ठीक है, डॉक्टर उनसे कन्वर्सेशन कर रहा है, डॉक्टर उनसे क्या कह रहा है कि क्या तुमने कभी भी फुल ब्लडेड कोबरा देखा है, क्या कभी भी, क्योंकि वो लोग सांपों के बारे में बात कर रहे होते हैं, स्नैक्स के बारे में। तो वो डॉक्टर कहते हैं क्या तुमने कभी फुल ब्लडेड कोबरा देखा है, जो तुम्हारे जैसे आम के ऊपर क्या बना ली, कोयल जैसे कुंडली लगा ली पूरा गोल गोल करके तुम्हारी आम के ऊपर बैठ गया, क्या कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। तो वो कहते हैं नहीं। तो वो डॉक्टर अपनी स्टोरी बताते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो वो अपनी स्टोरी बताता है, मैंने फ्लैशबैक में स्टोरी चलती है। वो कहता है डॉक्टर कि एक बार का टाइम है, कौन सा टाइम है, समर नाइट का, यानी कोई गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम की रात है, 10 o'clock का टाइम है। और जो डॉक्टर है वो रेस्टोरेंट से खाना खा के अपने रूम में आ रहा था, और रूम में आने के बाद उसने एक जो कैरोसिन लैम्प होता है जो वो उसने चलाया था, क्योंकि वो रूम कैसा था, उस रूम में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। वो रूम, वो जो डॉक्टर था वो क्या था, वो होम्योपैथिक डॉक्टर था, और उसने वो रूम रेंट पे ले रखा था। उसने अभी अभी अपनी मेडिकल प्रैक्टिस स्टार्ट की थी, इस वजह से उसकी जो इनकम थी वो भी बहुत मैटर थी, जो इनकम थी उसकी बहुत कम थी। उसके पास एक सूटकेस था, उस सूटकेस में ओनली 60 rupees थे, और इसके अलावा उसके पास कुछ शर्ट, कुछ धोतीज और एक ब्लैक कोट वियरिंग कर रखा था उसने, बस केवल उसके पास यही सामान था जो उसके पास उस रूम के अंदर था। तो उसने क्या किया, वो आया वहाँ से खाना खा के अपने रूम के अंदर, आने के बाद उसने अपना कोट निकाला, अपनी शर्ट निकाली, ठीक है, और अंदर एक वेस्ट थी, वो वेस्ट ज़्यादा वाइट नहीं थी, शर्ट वाइट थी, वेस्ट ज़्यादा वाइट नहीं थी। और उसके बाद वो लेट गया, लेकिन क्या था, उस रूम में इलेक्ट्रिसिटी तो थी नहीं, तो उसने क्या किया, उसने रूम की जो विंडोज थी, टू विंडोज थी उस रूम में, तो दोनों विंडोज को उसने ओपन कर दिया ताकि हवा अंदर आए। और वो रूम क्या था, उस रूम में चूहे थे, उस रूम में बहुत ज़्यादा चूहे पैसेज करते रहते थे, घूमते रहते थे। उस रूम को देख कर ऐसे लगता था कि जैसे डॉक्टर्स और चूहे दोनों ने उस रूम को शेयर कर रखा था, मतलब डॉक्टर वहाँ परमानेंट रहते थे। और इसके अलावा रूम कैसा था, उस रूम के ऊपर कोई सीलिंग नहीं थी, कोई छत नहीं थी, केवल साइड में एक बीम थी जिस
जस्ट फिर उसको ऊपर से कोई आवाज सुनाई दी, लेकिन उसने सावश की तरफ ध्यान नहीं दिया, ठीक है। लेकिन फिर जस्ट उसके अगेन फिर उसके माइंड में फिर एक थॉट आया, एक अर्थ टेकिंग डिसीजन। उसने अर्थ टेकिंग डिसीजन क्या लिया कि मैं हमेशा अपने चेहरे पर अट्रैक्टिव स्माइल रखूंगा, क्योंकि उससे मैं और भी ज्यादा हैंडसम लगूंगा। आफ्टर ऑल आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ बैचलर, तो इसीलिए उसने इस तरीके से सोचा। वो वापस बाहर गया, बाहर की हवा नहीं थी, वापस अंदर आ गया। वो उस पर तीन बार अंदर आया गया था, अंदर आके फिर वो चेयर पे बैठ गया। चेयर पे जब वो बैठा तो उसने क्या देखा, फिर उसको आवाज सुनाई दी आवाज, लेकिन उसने फिर कोई अटेंशन नहीं दिया उस साउंड की तरफ। उसके बाद उसने ये सोचा अपने मन में, स्माइल करने लगे अपने आप को देख के, और उसने फिर एक डिसीजन लिया ऐसे ही, मतलब उसको फिर एक विचार आया अपने मन में बहुत अच्छा सा, क्या आया कि आई वुड मैरी अ डॉक्टर लेडी, मैं एक ऐसी व्यक्ति से शादी करूंगा जो डॉक्टर होगी और बहुत रिच होगी, और इसके अलावा वो स्प्रिंटर भी होगी, यानी बहुत तेज दौड़ने वाली होगी, सॉरी स्प्रिंटर का मतलब रनर होता है। मैं एक ऐसी व्यक्ति से शादी करूंगा जो फैट होगी, मतलब जो तेज नहीं दौड़ पाएगी। अगर मैं कोई सिली मिस्टेक करूंगा, वो कहते हैं कि क्यों मैं मोटी व्यक्ति से शादी क्यों करना चाहती हूँ, क्योंकि इसका भी वैलिड रीजन है। अगर मैं कोई सिली मिस्टेक कर दूंगा तो मेरे पीछे नहीं भाग सकेगी मुझे पकड़ने के लिए, ना मुझे वो कैच नहीं कर पाएगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी शादी एक फैट लड़के से हो, है ना। लेकिन उसकी शादी फैट लड़के से नहीं होती, उसकी शादी एकदम फुल ब्रिज एक सरकंडे की तरह बिल्कुल पतली लड़के से उसकी शादी होती, क्योंकि भगवान को ऐसा ही महसूस था। और उसकी वाइफ होती है वो स्प्रिंटर होती है, बहुत तेज दौड़ने वाली होती है, ठीक है। तो यहाँ पर वो ऐसे कोई आवाज से आती रहती इस टाइप की साउंड, लेकिन फिर भी वो उन साउंड की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। और जब वो क्या देखता है, अचानक से एक डल साउंड आती है, डल साउंड मतलब वो बिल्कुल बिल्कुल ही एकदम धीमी सी कोई आवाज़ आती है, ऐसे लगता है जैसे कोई रबड़ की ट्यूब गिर गई हो। अब रबड़ की कुछ चीज़ गिरती है उसकी ज़्यादा तेज आवाज़ नहीं आती, तो ऐसा लगता है उसको वो रबड़ की ट्यूब गिरी है। और उस साउंड से फिर वो क्या देखता है, वो जैसे टर्न करता है मुड़ने के लिए, ऐसे ही सिमिलर ट्विस्ट नहीं है ना, दोनों काम एक साथ होते हैं, तो वो जैसे ही
कहता है नहीं भैया मैंने तो देखा ही नहीं पीछे मुड़ करके, मैं तो इतना ज्यादा मेरे को सांस में सांस तब आई जब अपने फ्रेंड के घर पे गया और मेरे अपने फ्रेंड के घर पे होने के बाद रात को वहीं सोया। नेक्स्ट डे मैंने स्मीयर किया ऑयल अपने